सो अभी हम चलते हैं, हमारी मम्मी और मासी नहीं मिल रही है। बहुत ठंडा पानी है गाइस। टू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड। सो मेरी बेटी चश्मा डालने की कोशिश कर रही है, उसको डाला नहीं जा रहा। क्या नाम है उसका पूरा? वाइल्ड लाइफ एनिमल। क्या था? वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरी। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपका ये मेरा डायलॉग हो गया। तो आज कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं वायनाड। सो आज हम जा रहे हैं वायनाड। ये केरला की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो टोटली हिली से भरी हुई है, हिल से भरी हुई है। इसमें झरने हैं बहुत सारे और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे है, मतलब कि जू वगैरह टाइप की चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। सारा जगह तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। इस समय देखिए अब 11:30 हो चुके हैं और हमें यहाँ से जर्नी जो है 100 किलोमीटर तय करनी है ना? तो 100 किलोमीटर जर्नी है, 2-2.5 घंटे लगेंगे हम, मतलब दोपहर को ही पहुँचेंगे। तो क्या क्या कवर कर पाते हैं, जो वहाँ की जो सबसे टॉपेस्ट जगह होगी उसको पहले कवर करेंगे और उसके रैंक के हिसाब से जो अच्छी अच्छी चीज़ें और आपको सारा दिखाएंगे। तो आज का वीडियो यार इतना शानदार होने वाला है, तो इसके लिए यार एक लाइक तो कर दो। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, टूर प्लान कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सब जगह सब आपके लिए हो रहा है कि आप लोग वहाँ जम्मू में बैठ के ये सब देखो। है हम केरला आए ताकि आपको जम्मू में फील कराएं केरला की चीज़ें। तो ये केरला की सीरीज़ वॉच करें, अभी इस वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा देने वाले हैं। अभी वहाँ पहुँचते हैं, रास्ते में कुछ ऐसा मिला तो वो दिखाते हैं, नहीं तो सीधा वहाँ पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। वीडियो में बने रहें, ठीक है जी। तो जब आप वायनाड जाओ तो यहाँ कोल्लम चिरा जगह है, तो यहाँ रुको, ये व्यू आपको मिलेगा। इस व्यू को आप देखो और ये हमारे रिश्ते में हमारे जीजा जी लगते हैं क्योंकि हमारे बहन के हस्बैंड है, ये हमें लेके जा रहे हैं। रास्ता मुझे मालूम नहीं है तो, और मुझे ब्लॉग शूट करना था तो इसलिए मुझे ड्राइव नहीं करना था, इनको लेके आए। तो अभी हमने शेक पी लिया और यहाँ से निकल रहे हैं और आपको और दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है, ठीक है। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. गाइस हम पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे वायनाड में, और वायनाड में हम सबसे पहला जो पॉइंट हमने चुना है वो चुना है तुषारगिरी का। तुषारगिरी वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे वाटरफॉल होता है, तो सबसे पहले हम वाटरफॉल में जाएंगे। और वाटरफॉल इसलिए चुना क्योंकि यार गर्मी बहुत है, इतने दिनों से केरला में थे तो गर्मी फील कर रहे थे, तो हमने सोचा यार थोड़ा क्यों ना चिल्ड हो जाए। और बाकी काफ़ी कुछ है यहाँ पे, जिप लाइन है, लकड़ी घर भी यहाँ पे है एक, तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। पर सबसे पहले हमने सोचा है कि हम पहले वाटरफॉल को कवर करते हैं, इन्जॉय करते हैं, देन उसके बाद हम बाकी स्पॉट में चलते हैं। तो ये अभी हम यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं। ये रास्ता है, यहाँ से एंट्रेंस है आगे, पूरा ये पूरा फॉरेस्ट की तरह है, यहाँ पे जंगल जंगल और बीच में दो पहाड़ और पहाड़ों के बीच में से पानी, वाओ बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहें और यार लाइक कर दें यार, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। लाइक नहीं करते, लाइक में इतनी कंजूसी मत किया करो यार, एक लाइक तो दबा दो यार, लाइक तो बनता है यार। इतनी दूर से इतने किलोमीटर से चल के आपके लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ तक आए हैं तो यार एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ ठोको लाइक। सो
सो ये है टिकट काउंटर नीचे त्रिशूर गार्डन जाने का। यहाँ पे आप देखो तुषार गिरी का जो एंट्रेंस है वाटरफॉल का, उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। और टिकट के चार्जेस ऐसे हैं कि अगर आप हिंदुस्तानी हो तो 30 रुपये लगेंगे, और आप फॉरनर्स हो तो आपके 50 रुपये लगेंगे, और बच्चे और स्टूडेंट हो तो आपके 15 रुपये लगेंगे, 15 रुपीज। तो हमने टिकट्स ले लिए और हम जा रहे हैं अभी वाटरफॉल्स की तरफ। हम मोटे मोटे लोगों का सांस फूल जाता है यहाँ चढ़ने से। प्लास्टिंग स्मोकिंग लिक्विड शुड बी सख्त मना, मतलब ये सब चीज़ें लेना यहाँ पे सख्त मना है। और ये ओह माय गॉड, ये ब्रिज हिल रहा है, ये लोहे का ब्रिज तो हिल रहा है बाबा। तो देखो पेड़ के अंदर जाने का रास्ता है वो, वहाँ से ऊपर भी देख सकता है, वो हैं? अच्छा है, हाँ। हेलो। वाह, तो ये पेड़ है 200 साल पुराना। वाह, ये पेड़ देखो आप, मैं पेड़ के अंदर हूँ इस समय मैं पेड़ के अंदर आ चुका हूँ, और ये पेड़ पूरा अंदर से वो गुफा की तरह है, इसमें बहुत खतरनाक पेड़ है, खतरों के खिलाड़ी बन के निकलेगा। गाइस मैं यहाँ से निकला। सो गाइस अभी हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे लंच, क्योंकि बहुत हंग्री हाफ हो गया, पेड़ में नहाने के बाद बहुत एनर्जी घूम गया, मेरी बहन को बहुत भूख लगा मफिदा को, तो हम दोनों ने बहुत खाना खाना है अभी। सो अभी हम सोच रहे हैं पहले हम यहाँ से खाना खाते हैं, फिर एनिमल क्या नाम है उसका पूरा, वाइल्ड लाइफ एनिमल
क्या था? वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरी, उसका वायनाड में जगह है। सो अभी लंच करते हैं, फिर वहाँ चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको क्या क्या है। सो गाइस अभी हम कच्चा बनान, ये मेरा कच्चा बनान है जो हमने डाल के नहाया था, अब इसको यहाँ छोड़ नहीं सकते, इसको लेके चलेंगे। तो अभी करते हैं लंच, लंच करके चलते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल सेंचुरी के अंदर, वहाँ आपको मिलाते हैं टाइगर से और देखते हैं और कितने जानवर है वहाँ पे। ये पूरा पुल हिलता है गाइस, ये पूरा पुल हिलता है। सो ये हमारा कच्चा बनाना उधर रह गया था। सो अभी हम चलते हैं, हमारी मम्मी और मासी नहीं मिल रही है। तो इस कच्चे बनान को देख के आपको अगर हाँ, ये क्या है? दिस इज कच्चा बनान, ओ माय गॉड। तो चलिए गाइस पहले करते हैं लंच, फिर निकलते हैं वाइल्ड लाइफ में। बने रहे वीडियो में, बहुत शानदार होने वाला है, मजा आ रहा है ना। बस लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो बस। चलो अभी हम आ गए हैं विल्टन रेस्टोरेंट के अंदर, खाने का ऑर्डर दे दिया। सो मेरी बेटी चश्मा डालने की कोशिश कर रही है, उसको डाला नहीं जा रहा। सो गाइस अभी हम आए हैं पकौड़ लेक के पास, इससे पहले एक इनोर लेक था वो बंद हो गया, वो जम केरला यूनिवर्सिटी के अंदर था। तो अभी हम जा रहे हैं पकौड़ लेक के रास्ते में और अभी वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि दो जगह पे तो हम ऑलरेडी लेट हो गए, 5 बज गए, वो जगह बंद हो गई। एक तो हमें वो वाइल्ड सेंचुरी भी नहीं मिली, दूसरा अभी ये इनोर कुछ जगह थी एक्टिविटीज़ की वो भी बंद हो गई 4:30 की। अभी ये पकौड़ लेक में जा रहे हैं, बस ये ना बंद हो जाए, यहाँ जाते हैं इन्जॉय करते हैं, थोड़ा सा बोटिंग वगैरह करते हैं, फिर अपनी माल बहन को माल में ले जाते हैं। हमारे नसीब में नहीं है, हम वेयर नहीं कर रहे हैं। अभी आपको क्लोज दिखाते हैं, जो लोग करके आ रहे हैं उनसे मिलवाते हैं। तो आप देखिए
यहाँ कितने सारे लोग हैं, काफी रश है। तो देखिए झील जो है, जो लेक जो है काफी बड़ा है, आपको यहाँ से एक पूरा व्यू दिखा देते हैं। हम सोच के आए थे कि वोटिंग करेंगे, पर हमारा नसीब खराब है, हम लेट हो गए, वो वाला हॉल भी बंद हो गया, यहाँ पे भी वोटिंग नहीं मिली। सो चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो गाइस कोई बात नहीं, पर इतना मैं बता दूं, अगर आप लोग वायनाड घूमने आए हैं तो आपको थोड़ा सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि अगर आप पहले निकलोगे तभी आप सारी जगह पहुंच पाओगे, क्योंकि जो एरिया है ना, जो व्यू पॉइंट है, वो सब दूर दूर है, तो सबको कवर करने के लिए आपको पहले निकलना है। अगर आप निकलोगे घर से 12 बजे 1 बजे तो आप नहीं कवर कर पाओगे। हम लोग 10 बजे निकले थे तब भी हम कवर नहीं कर पाए। सो गाइज आप लोग जल्दी निकले, सारी चीज़ें कवर करें, निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे जितनी भी जगह सब क्लोज हो चुकी है, तो हम चलते हैं यहाँ से, अब ले चलते हैं आपको हाईलाइट मॉल या जो